देखो देखो देखो
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Bol Hare Bol खाली बजाते आगे बोले पीछे बोले भैया बोले बहना बोले सम्मिल बोला जोर से बोला आवाज नाई राधे 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 अजी बस राधे राधे अजी बस राधे 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 हरि बोल 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 गौर ब्रह्मानंद देव बोले वृंदावन बिहारी हरे कृष्णा यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन करना है अंग्रेजी में सुंदर गोपाल ओके वी डू ट्रांसलेट ओके यू आर एवरीबॉडी हेड फॉर मी ओके अच्छा तुम इनको ट्रांसलेशन कर सकते हो इनको कथा ट्रांसलेशन कर सकते हैं कर लोगे ठीक से कर लो तो उसके पास में बैठ गया तुम कर लोगे दोनों में कौन बढ़िया कर सकते हरे कृष्ण चार बोला बोल आवाज आ रही है हरे कृष्णा हरि बोल आवाज आ रही है बोले से वृंदावन बिहारी लाल की यहाँ सही ना यहाँ सही पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है और थोड़ी थोड़ी आगे आ गया थोड़ी थोड़ी
तत्र आगे आ जाए। हरे कृष्णा। हाँ ओके, तुम करते रहो। कहाँ गया? यहाँ से ठीक। हरे कृष्ण, बैठ बैठ। आज तुम तुमको थोड़ा कथा करना, ठीक है? यहीं पर थोड़ा कथा करना तुम्हें, ठीक है ना? वहां पर तो बहुत सारे भक्त लोग हैं ना, इसलिए तुम लोगों को सुझोग नहीं मिलता है। हरे कृष्ण। देखो हम लोग ने सबके सब श्री नवद्वीप धाम में आए हैं। पिछले कल में इनको कथा सुना रहा था, ये नवद्वीप धाम है क्या जी? कल इनको बड़ी अच्छी कथा सुनाई। कभी ये नवद्वीप धाम नहीं, कभी ये जो नवद्वीप धाम है ये राधा रानी कृष्ण के लिए, राधा रानी कृष्ण के लिए 9 कुंज उन्होंने बनाया। कितना कुंज बनाया? 9 उन्होंने कुंज बनाया। गौर प्रिया कापी रखना और सब नोट करना, इसलिए उन्होंने 9 उन्होंने कृष्ण के लिए 9 उन्होंने कुंज बनाया है, हृदय से 9 कुंज बनाया। ये एक कथा ही है। दूसरी कथा हम सुना रहे थे, दूसरी कथा सुना रहे थे, ये नवद्वीप धाम किया है। उसमें दूसरी कथा आती है, ये नवद्वीप धाम नहीं, ये गोपियों की चरण धूली है, ये ब्रजवासियों का चरण धूली ही ये नवद्वीप धाम है। इसलिए कल इनकी कथा सुनाया था, जैसे एक समय नारद जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु हिंदी बुझ मर जाता तुम भाव तो और भवन कर गए बोलो जी। अरे हाँ, इसलिए कभी ये कभी नारद जी कृष्ण से प्रश्न करते, बोले प्रभु सारा दुनिया यहाँ पर बैठा गए, सारा दुनिया कहते हैं हम सबके सब तुम्हारे भक्त है, हम सबके सब तुम्हारी भक्त है, सारा दुनिया कहते हैं हम सब कृष्ण भक्त है, लेकिन सबसे कृष्ण भक्त में तुम्हारी सबसे बड़े भक्त कौन है? सब तो अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन सबसे तुम्हारी दुनिया में तेरे बड़े भक्त कौन है? कृष्ण ने कहा समय आने पर मैं तुमको बता दूंगा। इसलिए एक दिन कृष्ण जान बुझ करके उन्होंने बुखार और सर दर्द की लीला की, वैद्य आए डॉक्टर बुलाए लेकिन सही नहीं हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु, नारद जी ने बोले प्रभु तुम्हारी नाम लेने पर जीव भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, और अगर तुम्हारी अगर सर दर्द हो गया, सारा दुनिया की सर दर्द है, भगवान को सर दर्द थोड़ी होता है। बोले प्रभु आपका सर दर्द कैसे सही होगा? बोले अगर मेरे को कोई मेरे भक्त अगर अपना चरण धूलि दे दे और वो चरण धूल से मेरे को स्नान कराया जाए, फिर मेरी ये सर दर्द सभी सही हो सकती है। सुनाई पड़ रहा है? तभी मेरी सर दर्द मेरी सही हो सकती है। बोले नारद दुनिया कहते तुम मेरे परम भक्त हो, अपना चरण धूल दे दे। बोले प्रभु क्या चरण धूल दे करके मेरे को नरक भेजना चाहते हो? बोले यहाँ पर द्वारका में बहुत सारी भक्त है, किससे भी चरण धूल ले आओ, लेकिन जिन जिनियों के पास में गए सबसे उनको गाली निकले, सबके सब गाली दिए। बोले भगवान के लिए चरण धूलि देकर हम क्या नरक भेजोगे? कोई भी नहीं दिए। तो उन्होंने फिर घूम घाम करके कृष्ण के पास में आए, बोले प्रभु आप ऐसे एक चीज मंगवाया, हम जिन जिनियों के पास में गए सबके सब हमें गाली दिए, सबके सब, सबके सब हमें गाली निकाले, कोई भी चरण धूलि देने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले वृंदावन गया था? बोले प्रभु केवल वृंदावन ही नहीं गया, सारा दुनिया में गया। मैंने सोचा वृंदावन में ग्वालिनिया वो तो दधि मंथन करती हैं, वो कंटा बीनती हैं, उनको क्या भक्ति भक्ति पता है? जंगल में रहने वाली कहते उनको, उनको क्या भक्ति भक्ति उनको क्या पता है? बोले देखो नारद जी, अगर मेरे कहीं सही भक्त है ना, वृंदावन में। कहां पर? पीछे पीछे तक आवाज आ रही है कि सुनाई नहीं पड़ रहे? पीछे का कितना आवाज आ रही है ना, मेरा आवाज आ रही है, किसका आ रही है? अरे आवाज आ रही है गौर प्रिया। इसलिए बोले हरे कृष्ण, बोले
अभी उन्होंने बोले मेरे जो सही भगत है ना ये ब्रज में ही मेरे सही भगत है, एक बार ब्रज में जा करके देखो। जब उन्होंने ब्रज में गए और जितने सारे भगत थे ना ब्रजवासी, सबके सब इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आए हो? बोले द्वारका से। बोले हमारे लाला कैसे, हमारे कन्हैया कैसे? बोले उनका तो सर दर्द बुखार है। बोले दवा ववा कुछ दिए नहीं? बोले दवा तो लेने के लिए आया, दवा लेने के लिए। बोले कौन सा दवा? बोले कृष्ण बोले अगर अपना चरण धूलि मेरे को कोई दे दे, कोई भगत मेरे चरण धूलि दे दे तो उससे मैं सही हो जाऊंगा। बोले कोई बोरी भोरी लाई हो लेने के लिए? कोई बोरी लाई कि नहीं? बोले नहीं। तब जितने गोपियां थी ना, जितने ब्रजवासी थे, सबके सब अपना प्यार रगड़ रगड़ करके चरण धोली निकाले, प्यार रगड़ रगड़ करके चरण धोली निकाले, और वो चरण धोली को एक बोरी में भर दिए। बोरी में भर करके बोले इसको ले जा, लेकर के कृष्ण को स्नान करा देना, कृष्ण को तुमने स्नान करा देना कृष्ण को। फिर उन्होंने बोले तुम लोग को डर भय नहीं है? तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान, भगवान को चरण धूलि देकर के नरक जाओगे? तो वो कहते हैं देखो वो कितने बड़े भगत हैं, वे नरक जाने के लिए हमें कोई डर भय नहीं है। एक जन्म नहीं, कृष्ण सुख के लिए हम करोड़ों जन्म तक नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण का हम दुख नहीं देख सकते हैं। फिर तो नारद जी को पता चला जगत में कृष्ण का सबसे बड़े भगत कौन है? ये ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की गोपियां हैं। फिर उन्होंने वो धूल लेकर के द्वारका गए, भगवान को स्नान कराया, और जो थोड़ा धूल बच गया था ना वो धूल यहाँ पर ला करके श्री नवद्वीप धाम में धूल ला करके यहीं पर उन्होंने धूल को रख दिया, यहीं पर धूल को उन्होंने यहीं पर छोड़ दिए। मनमोहन अक्षत को देखा था? मनमोहन अक्षत देख दे। इसलिए कहते हैं जो नवद्वीप धाम नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूलि है। किसका चरण धूलि? किसके हैं ये ब्रजवासियों का ये चरण धूलि? श्री ये नवद्वीप धाम श्री उनकी चरण धूलि है, हैं? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जयति नगरी शुद्ध भक्त, बोला उसके बाद में चरण धूलि भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सीधी प्रेम लती कर मोल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो ओला। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर भगवान की भक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, ज्ञान कर्म योग से भगवान नहीं मिलते हैं, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। अभी वो भक्ति मिलेगी कहाँ से? क्या बाजार में कहीं बिक रहे हैं? क्या पैसा देकर के ले आओ? नहीं, भक्ति सुदुर्लभा। भगवान कहते भक्ति दुर्लभ नहीं, भक्ति सुदुर्लभ भक्ति है, हैं? इसलिए भक्ति अंदर बैठ जाओ, बैठ इधर बैठ। इसलिए जो भक्ति ये सुदुर्लभा, ये भक्ति, भक्ति आसान चीज नहीं। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? ये भक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये भक्ति तीन चीज को द्वारा जल्दी से जल्दी भक्ति मिल जाएगी। कितने चीज को द्वारा? तीन चीज को द्वारा भक्ति जल्दी से जल्दी भक्ति मिलेगी। कहते वो तीन चीज क्या है आप बता सकते हो? कौन? हाँ खड़ी होकर बोलो। हाँ वैष्णव, और नहीं भक्ति ये बोली पंडित यानी बोली। हाँ बोलो। हरे कृष्ण। इसलिए तुम क्या जा रहे हो ना? क्या जा रहे हो? आज ही जा रहे हो? तुम अकेले जा रहे हो?
कलकत्ता जाओगे? मैं तो वही बोला हावड़ा से, हावड़ा से ट्रेन का ठीक। अभी अभी हमारे ना ये लोग एयरपोर्ट जाने के लिए हमारे कुछ भक्त लोग गए, अपना गाड़ी रिजर्व कर, तो बोल रहे थे उनको साथ में चले जाना। अभी अभी गए, अभी अभी पता नहीं कहाँ से निकलेंगे, वहाँ से रुकते हुए तुम बोल देता पहले ना, फिर उनको गाड़ी में खा लियो, खा लो तो हम जैसे प्रसाद वहाँ जगन्नाथ का प्रसाद खजा ले जाना, पैकेट में उत्तर प्रदेश जाऊँ तो पहले जगन्नाथ जी का वहाँ खजा रखा प्रसाद खजा जगन्नाथ जी, एक पीला पैकेट होगा जगन्नाथ का खा जाएंगे। ये प्रसाद है प्रसिद्ध सुनो वहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं। हरे कृष्णा तो वहाँ एक और क्या माइक रखा होगा ऐसे ही, और एक होगा ले आओ तब तक पीला पीला इसमें इसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद ले ऊपर ऊपर में देखो मैं जहाँ बैठता हूँ। हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, कहते भक्ति भक्ति मिलती है कैसे? बोले भक्ति तीन चीजों को द्वारा जल्दी से जल्दी भक्ति मिल जाती है। कहते वो तीन चीज क्या है? कहते पहला नंबर है भक्त पद धूली, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते लिया है। कहते पहला नंबर है भक्तों का चरण धूली, दूसरा नंबर क्या है बोलो, दूसरा नंबर क्या बोलो, कब सुनते हो कोई काम की नहीं सब, दूसरे नंबर क्या है ए पागल कोई काम की नहीं, इसलिए पहला नंबर पहला नंबर है भक्तों का चरण धूली, दूसरा नंबर क्या है भक्तों का चरणामृत, और जो तीसरा नंबर क्या है भक्तों का अधरामृत प्रसाद बा हरि कथा। हम सब लगा तो लगा खोलो उसको और उसको उसको यहीं पर लगा दो। हरे कृष्णा इसको यहाँ लगा उसको हरे कृष्णा उसको उसको उसका मुंह उधर करो। हरी बोल हरे कृष्णा, फिर आवाज आ रही है हरे कृष्णा। इसलिए वह तीन चीज को द्वारा सबसे जल्दी से जल्दी भक्ति मिलता है, इसलिए भक्तों का चरण धूली, भक्तों का प्रसाद और भक्तों का चरणामृत। इसलिए कहते हैं जो नवद्वीप धाम क्या है, कि नवद्वीप धाम है क्या चीज अभी क्या बताया, ये ब्रजवासियों का चरण धूली, नारद जी ने ये ब्रजवासियों का चरण धूली को उन्होंने क्या किया, ला करके कुछ तो चरण धूली द्वारका में ले गई जिसमें भगवान का स्नान कराया गया। और वहीं पर वहीं पर बैठो, नहीं तो पीछे पीछे से घूम करके आ जाओ, नहीं तो वहीं बैठ जाओ, जगह है बैठने का, ठीक है बैठ जाओ, ठीक है जगह हो तो बैठ जाओ और थोड़ी सी सरक करा जाओ। हरे कृष्णा, इसलिए ये क्या हो गया नवद्वीप धाम, कहते नवद्वीप धाम श्री चरण धूली ब्रजवासियों का चरण धूली, इसलिए यहाँ आने पर क्या होता है चरण धूल लगेगा, और जितना जल्दी भक्तों का चरण धूल लगेगा उतना जल्दी हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। इसलिए ये नवद्वीप धाम ब्रजवासियों का चरण राज्य है। बस श्री नवद्वीप धाम की जाना नहीं तो पीछे से घूम करके आ जा, पीछे से आ जा। हरे कृष्ण तो लोग थोड़े नजदीक नजदीक आ जाए, ए पंडित उसको बोलो जब जल्दी आ जाए छोटा थोड़ा आगे आ जा। हरे कृष्ण बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की। देखो इसलिए कहते इसे नवद्वीप धाम लोग जो जो लोग आप लोग नवद्वीप धाम आए हो दर्शन करने के लिए, जो नवद्वीप धाम आए हो कहते आप लोग बड़े भाग्य वाले, इधर इधर सब बैठ जाए, दो दो आदमी सब मोटे मोटे सब और थोड़ा फास्ट है, तो नीचे नीचे बैठा और थोड़ा नीचे आ जाए, हाँ वही 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 बैठ जाओ, जिसको जहां पर जगह मिलता बैठ जाओ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, इधर आ जाओ प्रभु जी। दिस प्लान टेक लिटिल बिट बैक, इधर आ जाओ प्रभु जी। तुम इधर सर हरे कृष्ण। हाँ अंदर अंदर में बैठ जाओ, जहाँ जगह है ना बैठ जाओ, जगह अंदर में है ना, है तो बैठ जाओ अंदर में, जगह बैठ जाओ। हरि बोल हरे कृष्ण। सब बैठ जाओ, जहाँ जगह अंदर में जहाँ जगह मिलता है बैठ जाओ, नीचे ऊपर से बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नवद्वीप धाम की, सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए हम लोग जो श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए आए हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, बड़े सौभाग्यवान हो। मैं कल बता रहा था ना, आप लोग ये मत समझो आपके पास में पैसा था और वो पैसा की वजह से नवद्वीप धाम आ गए हो। आपके पास में पैसा था, वो पैसा से आप नवद्वीप धाम आ गए। मतलब पैसा से कोई नवद्वीप धाम नहीं आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जब ठाकुर जी की, राधा रानी की, क्योंकि जो नवद्वीप धाम ये राधा रानी के हृदय से, राधा रानी की हृदय से ये नवद्वीप धाम प्रकट हुआ है। इसलिए जिसको ऊपर में राधा रानी की कृपा हुई है, हैं कहते महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा हुई, वही व्यक्ति ही ये नवद्वीप धाम में आ सकते हो। सब यहाँ पर नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते। अगर नहीं तो पैसा वाला आ सकते तो कितना अरब खरबपति वाला पड़े हुए है, कहते हुए क्यों नहीं आ गए, अरे आप क्यों आए। और विशेष करके और गजेंद्र खजेंद्र तुम लोग इधर आना, आज थोड़ी थोड़ी हरी कथा सुनाना। ओके ओके, हाँ ठीक है। आज यहाँ पर जितने हीरो है सबको, हाँ ओके ओके, हरे कृष्ण। उसको थोड़ी सी कम कर दो, तो साउंड साउंड से कम करो थोड़ी सी। हाँ हरे कृष्ण, ठीक है हरे कृष्ण। हाँ इसलिए जिनको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है, वही लोग ही श्री नवद्वीप धाम में आ पाए। सब नहीं आ सकते हैं, इसलिए कल मैं वहां सुना रहा था, कहते स्वर्ग के देवता लोग भी कहते ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? ये कलयुग अत्यंत अत्यंत पाप का जो कलयुग है, ये कलयुग हो गया। इसलिए कहते ये कलयुग अत्यंत अत्यंत पाप युग, ये कलयुग है। हैं गजेंद्र इधर आ जाता, ट्रांसलेशन कर सकता है। इधर ऊपर इधर से आओ, कहते ये कलयुग ये पाप युग है, इसलिए कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? जहां पर झगड़ा है केवल झगड़ा। लेकिन ये जो कलयुग में हम लोग आए हैं, कहते ये कलयुग का नाम क्या है? कहते धन्य कलयुग है। कौन सा कलयुग है? धन्य कलयुग है। ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, क्योंकि ये कलयुग में जो सत्य त्रेता और द्वापर, द्वापर युग में भगवान कृष्ण है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए इसको बच्चों की तरह, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है ये कलयुग में, द्वापर युग में। इसलिए द्वापर युग बड़ी महिमा है, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं। हर तृतीया में राम नहीं आते हैं, हर तृतीया में रामचंद्र नहीं आते हैं, हैं? इसलिए कि तृतीया युग में हम कहते हैं राम राज्य। कौन सा राज्य है? राम राज्य। राम राज्य मतलब क्या? राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं थे, कोई भी दुखी नहीं थे। वहां के पशु पक्षी जानवर भी
भगवान राम सबकी भावना समझते थे, सबकी भाव को समझते थे भगवान राम। इसलिए कुत्ते को भी कोई दिक्कत हो, चिड़िया को कोई दिक्कत हो ना, वो भी प्रभु राम दरबार में आकर के बोल, प्रभु हमारा ये दुख है, हमारी ये कष्ट है। इसलिए भगवान के राम राज्यत्व में कोई दुखी नहीं, सबके सब सुखी थे, हैं? इसलिए और कृतयुग जो सत्ययुग वो तो धर्म का चार चरण निवास करता था, धर्म का चार चरण निवास करता था। इसलिए लेकिन ये सत्य तृतीया द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। इसी कलयुग में क्यों? इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए स्वर्ग के देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं कलयुग में। इसलिए आप लोग जो तिलक लगाए ना, हम लोग जो तिलक लगाए, कंठी लगाए, चोटी और हरिनाम करते हो, जानते हो तुम लोग कौन हो? बोले तुम लोग देवता से भी बड़े हो, आपको विश्वास होता है? हम लोग देवता से भी कहती है, देवताओं को प्रभु जी अंदर में जगह नहीं ना, अंदर में जगह है बैठने का, ऊपर बैठ जाओ, घाट के ऊपर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, नहीं तो जिनको जगह नहीं हो रहा मैं पीछे से घूम करके आ सकता हूँ, जब नहीं तो वहीं पर बैठ जाए। हरे कृष्ण, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आप लोग जो तिलक माला कंठी लगाए हो, आप लोगों ने सत्य युग में भी आए हो, आप लोगों ने त्रेतया युग में राम राज्य में भी आप लोग आए हो। भगवान जब राम राज्य तो कर रहे थे ना, तब भी आए हो। जब भगवान कृष्ण आए तभी भी तुम लोग आए हो, कृष्ण कृष्ण को दर्शन किया तब भी ये कली युग में, क्या तुम समझ रहे कर रहे हो कि ठीक से नहीं? उसको देखो, अच्छा बोलता है सुंदर गोपाल, सुंदर गोपाल किसी ट्रांसलेशन इज ओके ओके ठीक। इसलिए कहते आप लोग सत्य तृतीय द्वापर युग में भी आए हो, हैं? इसलिए क्योंकि महाप्रभु की धारा में सब नहीं आ सकते, विशेष करके दूसरे दूसरे संप्रदाय में जा सकते हैं, लेकिन महाप्रभु की लाइन में, चैतन्य महाप्रभु की धारा में आना बड़ा कठिन है। इसलिए बड़े बड़े हैं जो पुण्यात्मा हो, करोड़ करोड़ जन्म का जो सुकृति अर्जन किए हो, वही व्यक्ति ही ये कलयुग में महाप्रभु की धारा में आप लोग आए। इसलिए जो महाप्रभु का धारा में, कालिंदी दीदी आवाज आ रही है? सही आ रही है, सुनाई पड़ रहा है? ठीक है, तुम लोग बाद में भी थोड़ा आ जाना, ठीक है? बाद में भी थोड़ा आ जाना, ठीक। इसलिए आप लोग बड़ी सौभाग्यवान जो महाप्रभु की धारा में आप लोग आए हो, बड़ी पुण्यात्माएं। महाप्रभु के लाइन में आना कोई साधारण बात नहीं, बड़ी सौभाग्यवान आप लोग हो। और विशेष करके जो नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने के लिए आए हो, नवद्वीप धाम में आप लोगों का महिमा तो आप ही नहीं जानते हो, कितने महत्व तुम लोग, कितने सौभाग्यवान है महाप्रभु। एक बार जो महाप्रभु धाम में आ जाते हैं ना, जिनको एक बार यहाँ की चस्का लग गई, ए नवद्वीप धाम, हमारे कालिंदी दीदी क्या करती है, एक साल से टिकट बना देती है। और कालिंदी दीदी को साथ में कुछ भक्त लोग आए कालिंदी दीदी को साथ में, बोले हम, अरे कालिंदी प्लेन में चढ़ती है, ये चलो एक बार प्लेन में घूम करके आते हैं, और एक बार चलो गंगा सागर देख आते हैं, है? लेकिन एक बार नवद्वीप धाम की ऊपर बैठकर, नवद्वीप धाम की चस्का अगर किसको एक बार लग गई ना, फिर तो नवद्वीप धाम परिक्रमा की समय आते ही मन में खिलबिल खिलबिल मच जाती है, कब श्री नवद्वीप धाम में चले, कब श्री नवद्वीप धाम से चले। और हमारे भारत का लोग तो पास से आ गए, लेकिन देखो ये ऑस्ट्रेलिया से आए, हैं? ये ऑस्ट्रेलिया गोपियां सब ऑस्ट्रेलिया से आई, और इनका तो चैन नहीं पड़ती, पता नहीं साल में कितना बार आती है, नवद्वीप धाम में आ जाती है, कभी श्री ब्रजमंडल में, हमारे भारत के लोग आना कठिन, लेकिन ये लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में ऑस्ट्रेलिया से एक एक महीना महीना के लिए आ जाते हैं, एक एक महीना। और हमारे जो रशिया की जो भक्त है ना, हमारे रशिया की जो भक्त है, रूसकी की, रशिया के जो भक्त लोग है ना प्रभु जी, हमारे भारतीय लोगों को ये इतना पास में आना कभी कठिन होता है, लेकिन ये लोग रशिया से
महीना महीना के लिए, दो दो महीना, तीन तीन महीना, कोई कोई तो ब्रज में पूरा निवास करते हैं, ये मन मन है। इसलिए कभी कभी ये लोग तो महीना महीना, कुछ तो विदेशी लोग पूरा ब्रज में वास करते हैं। देखो हम लोग भारतीय लोग हैं, लेकिन अपना भारत का महत्व हम नहीं जानते हैं, भारत की महत्व को हम नहीं जानते हैं। हम चाहते विदेश जाएंगे, बोले क्यों, बोले पैसा कमाएंगे, बोले पैसा कमा करके बोले सुखी हो जाएंगे। अगर विदेश में जा करके पैसा कमा करके सुखी हो जाते फिर तो ये विदेश से करे, ये इन लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? जब इनकी वीजा खत्म हो जाती है ना, थोड़ी सी जब उनकी थोड़ी सी वीजा खत्म हो जाती है, ये लोग इतने दुखी हो जाते हैं। ये लोग कहते भगवान हमें नरक में क्यों जन्म दिया, ये अमेरिका को कहते नरक है, कहते भगवान हमें ये नरक में भगवान हमें क्यों जन्म दिया, हमें भारत में क्यों जन्म नहीं दिया, और अपना वीजा को बढ़ाने के लिए नेपाल और कहां कहां क्या क्या करते हैं करते हैं, और कुछ दुनिया हम भारत में रह जाए, वृंदावन में बास कर ले, क्योंकि वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, सबके सब सब राधा का नाम लेते हैं। कहते हमारा देश में तो कहीं राधे भी नहीं, कहीं कृष्ण भी नहीं, कहीं राम भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे कोई राम राम कृष्ण कृष्ण कोई बोलेगा नहीं है, किसकी ललाक में तिलक नहीं देखोगे, गले में कंठी नहीं देखोगे, सबके सब नास्तिक है। और इधर आओ तो राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे है, राधे राधे राधा रानी का नाम गाते रहते हैं। इसलिए ये लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, चाहते हैं अगली बार हम जैसे विदेश में जन्म नहीं हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी पैसा कमाने के लिए भारत छोड़कर विदेश चले जाते हैं, शायद विदेश में जा करके पैसा कमा करके सुखी हो जाएंगे। बोले नहीं भैया, पैसा कमा करके सुखी नहीं होंगे, सुखी होंगे भगवान की भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से सुखी होंगे, हैं भक्ति करने से सुखी होंगे। इसलिए जो लोग श्री महाप्रभु की धारा में जो आए हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति जो महाप्रभु का लाइन में आप लोग आए। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वहां पर एक नेमी नव जोगेंद्र संवाद है, वो संवाद में वहां पर ये नव जोगेंद्र को कहते, ये नव जोगेंद्र को नेमी महाराज ने नौ प्रश्न किया है। नौ प्रश्न में उसमें एक प्रश्न है, कलयुग में भगवान कौन है, कलयुग में भगवान कौन है, और वो भगवान को कैसे पूजा करनी चाहिए, कलयुग में भगवान कौन और उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हमारे भारतीय लोग हैं, बाहर अगर थोड़ी सी कोई नौकरी दे दिया, नहीं तो कोई भस्म को कोई नौकरी दे दिया, कोई रोग शोक दूर कर दिया, थोड़ी सी कुछ हो गया ना, बोले भैया ये भगवान है, पता नहीं हमारे भारत में कितने भगवान है, और भगवान सब जेल फेल में बंद भी भगवान है, भगवान सब जेल में भी बंद है। इसलिए हमारे भारत, इसलिए पहले से ही, इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले से ही जानते ही कलयुग में गड़बड़ी होने वाले हैं, इसलिए पहले से ही प्रश्न किए कलयुग में भगवान कौन है और उनको कैसे उपासना की जाती है। जब उन्होंने ये प्रश्न किए तब उन्होंने चार श्लोकों के द्वारा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की हैं, चार श्लोकों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने कथा सुनाया। अभी मैं एक श्लोक बोल देता हूँ, फिर हमारे ये प्रभु जी हैं, ये प्रभु जी थोड़ा महाप्रभु की कथा सुनाएंगे, ठीक है। हरे हरे कृष्ण, देखो वो जो श्लोक है, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, बोलो तो ये श्लोक किसको याद है, किसको याद, कोई बोल सकते हो ये श्लोक किसको याद है, किसको याद है, हाथ उठो। कृष्ण वर्णम तिसाम पंडित, हरे कृष्ण, एक पंडित भी याद है, याद है ना, याद है ना, बोलो खड़े होकर के इसको बोलो और इसकी व्याख्या करो अच्छी तरह से, इधर उधर से बढ़िया से व्याख्या करके बोलना, और खड़े हो जाओ। हाँ, ये प्रभु जी अभी बोलेंगे, ये सत्ययुग की कथा है, ये सत्ययुग की कथा है। सत्ययुग से ही वहां पर वो ऋषि
नव जोगेंद्र ने अपना दिव्य दृष्टि से उनने सब कुछ देखा सत्य युग का है। सत्य युग में ये कलि युग में भगवान कौन है और उनको कैसे उपासना की जाएगी सत्य युग से ही ये बात यहाँ पर बताए। अभी गजेंद्र जी इसके मिनिमम बताएंगे इसका मतलब क्या है, वो श्लोक में क्या बोल, बढ़िया करके बताना ठीक है, अच्छे तरह से व्याख्या करते हुए बोलो। बिना माइक बोल, बिना माइक से आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जोर से, कितना जोर से, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। सही बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी जोर से बोलिए, मेरा तो आवाज आ रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। उनकी समाधि पीठ पर बैठकर आज जो हम यहाँ पर हरि कथा सुन रहे हैं ये उनकी विशेष कृपा है। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। गुरुदेव ने आदेश किया है कि महाप्रभु के विषय में कुछ कथा बोलने का, और जिस प्रकार हम सुन रहे थे किस प्रकार जो है नेमी नव योगेंद्र संवाद में इसका वर्णन आता है कि नेमी महाराज ने, वो एक राजा है, राजा होने पर भी उन्होंने जो है नव योगेंद्र से उन्होंने 9 प्रश्न किए थे। 9 प्रश्न करते हुए उन्होंने कलयुग के अंदर कौन क्या कौन उपास्य देव है और उनकी किस प्रकार अर्चन करना चाहिए उसके विषय में प्रश्न किया। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नव योगेंद्र बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान कौन है। कलयुग में भगवान जो है ऐसा नहीं कि जैसे गुरुदेव बता रहे थे ना कि पीछे से बल्ब जो अगर ऑन होगा किसी के पास स्विच दिख रहा है बल्ब ऑन कर दो तो वो वहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भगवान है वो भगवान कौन होंगे, किस प्रकार उनकी अंगकांति होगी, किस प्रकार वो क्या चीज को देंगे, क्या उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण सांगो पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध स। वो वर्णन करते हुए बताते हैं कि कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण, कृष्ण वर्णम अर्थात ये कृष्ण वर्ण, ये जो है कृष्ण वर्ण अर्थात ये जो दो वर्ण शब्द है कृष्ण वर्ण वो सदा ही उनके जीवा में रटता रहेगा, कृष्ण वर्णम और तिशाम अकृष्ण। तिशाम अर्थात उनकी अंगकांति, अंगकांति कैसी होगी, वो कृष्ण नहीं होगी वो अकृष्ण, अर्थात कृष्ण जिस प्रकार जो है श्याम वर्ण के हैं लेकिन उनकी अंगकांति कैसी होगी, वो गौर वर्ण की होगी। तो यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण वर्णम तिशाम अकृष्ण सांगो पांग अस्त्र पार्षदम। ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे तो अकेले आ जाएंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस चीज को वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर तरीके से बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सहलील सह अवतारी। वो बता रहे हैं कि ऐसा भगवान जब भी आते हैं वो अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, अपने अस्त्र को अर्थात जो भी इस कलयुग में इस कलयुग के पाप को हरण करने के लिए जो अस्त्र है उस अस्त्र को लेते हुए और पार्षदों को अपने पार्षदों को लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ देखो जो बता रहे हैं कृष्ण वर्णम तिशम और कृष्ण, यहाँ पर सीधे सीधे वो इंगित कर रहे हैं किसकी तरफ, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की तरफ, कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी जीवा पर ही, वो ही एकमात्र है जिनकी जीवा पर सदा ही ये कृष्ण वर्ण जो है वो रटता रहता है, वो सदा ही कृष्ण नाम लेकर उन्माद प्रेम में उन्माद हो रहते हैं। और उनकी अंगकांति कैसी है, उनकी अंगकांति है गौर वर्ण की। भैया उनकी अंगकांति गौर वर्ण की क्यों हो गई है,
इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि इनकी अंग कांति गौर वर्ण की इसलिए है क्योंकि वो इस बार जो है राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर आए हैं। पता है ना जैसे राधा भावती सबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, उनका भाव और अंग कांति लेके भगवान कृष्ण जो है इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। और कैसे हुए हैं? अकेले नहीं है, अपने अस्त्र और पार्षदों को लेकर। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अस्त्र क्या है, तो उसके लिए वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि दिशाम और कृष्ण यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। इसको बता रहे हैं कि उनका जो अस्त्र है वो अस्त्र क्या है, संकीर्तन। उनका अस्त्र क्या है, संकीर्तन। संकीर्तन अर्थात सभी लोगों को संग में लेकर कृष्ण नाम का उच्चारण करना, अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान जो है, जैसे हम लोग फर्स्ट डे की जो हमारी परिक्रमा थी मायापुर धाम की, हमने वहां जाते हैं श्रीवास आंगन में, हम सुनते हैं किस प्रकार जो है महाप्रभु ये महासंकीर्तन रूपी रास को श्रीवास आंगन में रात पूरी रात जो है निरंतर ही चलता था, और उसी के अंदर जो है महाप्रभु भाव में विभोर होके कृष्ण वर्ण का उच्चारण करते हुए जो है नृत्य करते थे, और अपने सारे पार्षद जो है गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य सभी लोगों को लेकर जो है वहां पर जो है संकीर्तन रूपी रास करते थे। तो उनका जो है अस्त्र क्या है, बताया संकीर्तन। और संकीर्तन क्या, संकीर्तन अर्थात सब लोग को संग में लेकर और इस महामंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण। फिर यहाँ प्रश्न होता है कि उन्होंने बताया कि ये यजंती मतलब यज्ञ बताया इसको, वो भैया ये तो हम मुख से उच्चारण कर रहे हैं तो ये यज्ञ कैसे हुआ। इसको यज्ञ के लिए तो क्या होता है, जैसे आहुति देते हैं, अग्नि होती है, एक जो यज्ञ कुंड होता है, तो इसको बताते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो महामंत्र है जो हम जप कर रहे हैं, जो महामंत्र है वो क्या है, वो इस जैसे यज्ञ में हम घी देते हैं उसी प्रकार ये महामंत्र जो है ये घी का काम कर रहा है। और भैया जो यज्ञ कुंड है वो यज्ञ कुंड क्या है, बोले कान रूपी जो यज्ञ कुंड है, ये हमारे जो कान है जिसके अंदर ये महामंत्र जा रहा है अंदर, वो ये है यज्ञ यज्ञ कुंड। और जो बार बार हम लोग उसके अंदर आहुति दे रहे हैं महामंत्र की, वो हो गया घी। और ये मुख क्या है, ये मुख जो जो चप्पू होता है जिससे हम देते हैं, ये इस मुख से हम महामंत्र का उच्चारण करते हुए इस कान रूपी यज्ञ कुंड के अंदर इस महामंत्र रूपी घी का हम आहुति दे रहे हैं, और इससे इसी से ही जो है हमको दिव्य उन्माद होना चाहिए। ठीक है, तो बताया यज्ञ संकीर्तन प्राय और यजंती सुमेध सर, ये किसके लिए बताया है, ऐसा जैसे गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि क्या होता है आज के कलयुग में लोगों की इतनी मंद सुमंद मती हो गई है कि थोड़ा कोई चमत्कार दिखा दिया गया, संसारिक हमारी कामनाएं पूर्ण कर दी, उसी को ही हम भगवान मान बैठते हैं। किसी ने थोड़ा बहुत हाथ की सफाई कर दी, जादू दिखा दिया, तो उसको हम भगवान मानते हुए और उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन जो है बाद में पता चलता है कि वो कहीं इधर उधर, जैसे जो भी केसेस आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो सुमेध सा अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस चीज को समझेंगे और समझ के क्या करेंगे, महाप्रभु ने जिस प्रकार महाप्रभु और उनके भक्तों ने जिस प्रकार का बताया है उसी चीज का अनुसरण करते हुए और जो है बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को पालन करेंगे। तो यहाँ पर जो है नव योगेंद्र जो है पूरी तरह से इंगित करते हुए महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि कलयुग में एकमात्र भगवान जो होंगे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु होंगे, उनकी उपास्य की विधि क्या होगी, नाम संकीर्तन से ही उनकी